भाई बढ़िया सा इंटरव्यू भाई, फेस बस की प्रॉब्लम देखे समझ आ गया कितना आसान। अरे भाई, अरे नहीं ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं पूछा। मैं तो फ्रंट एंड, मैं अगर जॉब के लिए इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं तो एक्चुअल क्वेश्चंस ही पूछता हूँ जो रिलेटेड होता है। मैं डीएस से भी ऐसा तो एक भी बार नहीं पूछा। एक्चुअली हाँ, फेस बस वाला का ये है ना कि तू उसमें उसको कोड को स्केलेबल कैसे करते हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है कि तू कंडीशंस और डालता रहेगा ना तो ऐसे बेटर हाँ ये नहीं, रहेगा अगर कि तू। अगर अगर ज्यादा लॉजिकल वर्क है, जैसे तेरा पाइथन का डेटा एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, ऐसा कुछ भी हो गया, उसके लिए जरूरत होता है। बट फ्रंट एंड डेवलपर अगर रिएक्ट वेक्ट के लिए जरूरत नहीं होता। इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू लिया था ना, एक बंदे ने पूरा डीएसए वीएसए सब क्रैक किया हुआ था पूरा, उससे कितने थाउजेंड जितने उससे वो लीड कोड भी सॉल्व किए थे, और एक्चुअली उसको डीएसए अच्छे से आता था, बट उसको रिएक्ट का वो हुक्स वुक्स नहीं पता थे भाई। अब चलाने नहीं आते, चलाने नहीं आते उसको फिर मैं क्यों लू, भले उसे भाई। डीएसए क्रैक किया। मेरे से पहले भी एक रिएक्ट का बंदा आया था, अच्छा उसने टास्क 1 घंटे में कर दिया था। ठीक है, उसका टास्क कुछ और था, वही उसका रिएक्ट में रिएक्ट था काम नहीं में था। दिया होगा ना, कोई ऐसा पेज वेज कोई बनाने का दे दिया होगा, यूआई वीआई के दिया होगा, उसने ये 1 घंटे पता बना के दे दिया, उस बंदे को रिएक्ट आती नहीं, तो कोड रिव्यू करके कहता है ये तो गलत है, इसको हायर नहीं करना। नहीं। जो वहां का बिजनेस एनालिस्ट था ना, उसने बोला बट रिएक्ट आती है। मैंने उस वक्त किया है, वो बिजनेस एनालिस्ट साथ बैठ के बता रहे हैं उसकी सारी कहानी, ये ऐसे ऐसे करता है। थोड़ा 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 रिएक्ट आता हमको, थोड़ा रिएक्ट, थोड़ा मैंने घर जाके उसकी प्रोफाइल स्टॉक की भाई। उस बंदे ने 2020 रिएक्ट। पास आउट की है, ठीक कौन से है, वाले, एमसीए वाले बंदे की? एमसीए वाले ने जो इंटरव्यू अरे ले रहा है, और भाई उसके बाद उसका 1 साल का गैप है, 2020 से 2021 का। कौन सी कंपनी है, कौन सी कंपनी, मेरे को भी बता ना, मैं भी अप्लाई करता हूँ एक बार टाइम पास के लिए। अच्छा भाई, उनको चाहिए पाइथन वाले, मरे जा रहे हो। हाँ अरे बट उनका तो, तुम्हारा तो वो रिमोट वर्क नहीं होगा ना, मेरे को रिमोट चाहिए। अरे बट ऑफिस बहुत सेक्सी है। हाँ ऐसा? अरे यार ऑफिस तो तुम बात ही मत करना, हमारा इतना वाहियात है। अरे कंपनी अरे का नाम, कंपनी का तूने नाम मेरे को फोटो मैसेज भेजा था करो। पैरा, वही ना पैर, अरे वो पैरा ने जंगल फोटो वाला, भेजी अरे थी। वो जंगल वाला है, नहीं वो जंगल वाला नहीं नहीं ये नहीं, दूसरा। ये तो एक्चुअली एक्चुअली अच्छी बिल्डिंग थी। अच्छी बिल्डिंग, ये वो फॉरेन बिल्डिंग लगती है। एडवांस डैमेज सर्च कर, एडवांस नॉट इवन डिसेंट है, एक्चुअली बहुत अच्छी थी। भाई यार ये सब कुछ एक हाथ पकड़ा के गेम खिला रहे, मेरे को पसंद नहीं है ऐसा कि यहाँ पे क्लिक करो दूसरी चीज क्लिक ही नहीं कर सकते। हाँ भाई मैं एक्सपेक्टेशन लो ही रखने को बोला था। तो ऑब्वियसली भाई, बट तो भी ऐसा हाथ पकड़ा के यहाँ पे ही क्लिक करो वहां पे नहीं भाई। लोल बट पूरी मानवा है इसके अंदर, पूरी मानवा के ऐसे पैनल्स दिखा रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है। लमाओ अबे ये तो नहीं था मानवा के अंदर के था पेड़, मैं भूल गया भाई, बहुत टाइम हो क्या गया। हुआ? अरे ये थोड़ा सा अलग है मानवा से, मानवा के अंदर था कि नहीं था भाई, ये चीज कैनन नहीं है ये मैंने सब। पढ़ी है, अरे भाई एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग में डेजर्ट कहाँ पे था? हाँ वो पहले तो स्टार्टिंग में था, वो डंजन ही आता है ना वो। हाँ ये स्टार्टिंग के अंदर वो मरा और उसके बाद वापिस आया और ये डेजर्ट आ गया पता नहीं कहाँ से। अरे लमाओ ये सोलो लेवलिंग वाली कोई लाइव एड्स बहुत सारी आ रही थी तो मैंने देख रहा हूँ बस। डेड आई डर आयो अच्छा उसके सपने में था, सोलो। मैं पूरे मानवा के पैनल्स ही वो लगाए हुए हैं। लोल वही तो अपीलिंग चीज है लोल। हाँ उसकी मानवा एक्चुअली वो मतलब विजुअल्स अच्छे थे, स्टोरी लाइन तो वही जेनरिक ही थी बट विजुअल्स तो अच्छे हैं एक्चुअली। अरे वही सोलो लेवल पे एनीमे नहीं देखा, एनीमे देखा किसने? अच्छा देखा। दो एपिसोड देखे थे उसके, एनिमेशन थोड़ा, एनिमेशन थोड़ा सा यार थोड़ा डर से अच्छा नहीं लगा मेरे को। मुझे एनिमेशन में सबसे ज्यादा सबसे सबसे पीक लेवल की डिसअपॉइंटमेंट तो हुई थी, पता है, रैकोडो प्रेडनर। और
रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक। अच्छा ये वो गॉड्स वाला था वही ना। हाँ हाँ अरे भाई इतना हाइप किया था और फिर क्या पीपीटी प्रेजेंटेशन। अरे पीपीटी प्रेजेंटेशन से याद आया, एक ये अच्छा वाला भी है पीपीटी, वो अपने अरे वो गुंडा टाइप का होता है, वो हाउस हस्बैंड बन के रहता है, उसका नाम क्या है वो एनीमे का। हाँ अरे वो वे ऑफ हाउस हस्बैंड। करेक्ट भाई बहुत बढ़िया है। अरे 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 शिवम तूने वो देखा है बैड स्ट्रेट गर्ल? अरे हाँ देखा 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 देखा। भाई अरे ऐसे एनिमेस बहुत अच्छे होते हैं भाई, बहुत मजा आती है। वो बैड स्ट्रेट गर्ल बहुत सही था एक्चुअली। अरे वो एक तीन तीन हाई स्कूल गर्ल्स वाला भी एक था यार, उसका नाम मैं भूल गया। अरे भाई तो मैं पैरा पैरा था ना यही है। हाँ वो बैड स्ट्रीट गर्ल वाज अबाउट ही आता था। हाँ ट्रू है ना मैं पता है वो याकुजा वो कैटियन बना रहे हैं। लोल सब कुछ ऑटो पे, आप नहीं खेलना मूड हो रहा है। कौन आया? छोड़ भाई, तू क्या नौकरी दिलाएगा? बोन चिनवाल से दिलाए तो वो खुद ही छोड़ रहा है, तेरे को क्या नौकरी दिलाएगा भाई? तू एग्जाम दे पहले। देवर मैं तो मेरा तो अभी ऑफर होल्ड पे पड़ा है भाई। भाई वो यूपीएससी देने जा रहा पेरा। अरे तेरे को कोई दूसरा राउंड का बोला कि ये एक राउंड में खत्म हो गया सब कुछ? दो राउंड हुए थे तेरे से, एचआर राउंड हुआ था तो एचआर राउंड यहाँ पे नोएडा। अबे तो इधर आ जा ना, इधर इतनी कंपनीज है वडोदरा में भाई, कहाँ भाई जाना हो तो, अगर आना हो तो भाई कैसे वडोदरा आ जा? ठीक है आना आना हो तो भाई पुणे पुणे ना जा, यहाँ पे वडोदरा क्यों आएगा? बात नहीं कर रहे यार अच्छी पगार मिली है कुछ, बाकी बाकी कंपनीज में नहीं है अच्छी पगार। मारी कॉलेज पासी बधा नु प्लेसमेंट था, उसे बधा ने मड़ी से 10-10 लाख नहीं जाओ। मैंने तो नहीं मड़ी रेफरेंस आप तारी कॉलेज। अरे बट ए वो मेजर फैक्टर जो के ए तमने कॉलेज माथी ए बैचेट मललु छे, ए બીજા બધાને નહીં મળતી, નહીં મળતું। હા એ તો સાચી વાત છે। ઇવન ઇવન અમને અમર પર્સનલી તો માર ક્લાસમેટ ને કોઈને નહીં મળી મારા અંશી વંશી હોય। અરે ક્લાસમેટ સે યાદ આયા, આજ આજ વો યશ યાદ હે, યશ વેલી વો મેરે કો મિલા થા ભાઈ। विशाल के साथ जो घूमता था वो दूसरे विशाल के साथ। अच्छा हाँ हाँ वो रूम वाला। हाँ रूम। अरे नहीं वडोदरा में शिफ्ट हो रहा है वो। लव माओ तो दिव्या भाई साइबर सिक्योरिटी जॉब एक्सीडेंट हुआ, उसका हार्ट तोड़ के बैठा है, जॉब कर रहा था जॉब छोड़ दी, हाथ टूट गया था। अरे हाँ जॉब उसकी थी ना तो वो ईगोल टेस्टिकल उसकी वारंटी होगी, हाथ तोड़ दिया तो अब जॉब भी छोड़ के बैठा है भाई। और, क्या मतलब? और साथ साथ में साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर रहा है वो, साइबर सिक्योरिटी कोर्स। अरे तो बोलना, अरे बोलना था ना टेक्निकल सुपर देख ले। अरे उसके पेरेंट्स के साथ था भाई, इतनी बातचीत नहीं हुई ज्यादा। लोल साइबर सिक्योरिटी के लिए टेक्निकल सुपर देख ले।
पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार, देखना पड़ेगा कुछ को पता होगा, कुछ देखता है ना कुछ रेगुलर टेक्निकल शुगर देखता है। शुगर टेक्निकल शुगर तो रेलेवेंट है, मतलब अभी तक वीडियो बनाता है यार कोई एक जड़। टेक्निकल शुगर अभी तक वीडियो बनाता है या नहीं? आई डोंट नो, बनावे वही तो पूछ रहे भाई। मैंने क्या सी खबर? रेगुलर वॉचर है ना। मैं ब्राउज़र में 10 एक्सटेंशन नाख्या छे, मैंने खाली मारी फीड ज देखा छे, सब्सक्रिप्शन बीजू कहीं नहीं देखा। मैंने कमेंट्स नहीं देखा थी, एड्स नहीं देखा थी, कसुत नहीं देखा, मैंने खाली मारी फीड देखा छे ने वीडियो देखा छे। व्हाट अबाउट दिस लाइफ भाई, ये गेम तो फुल ऑटो प्ले है भाई, कब क्लिक जरा से, फुल ऑटो प्ले गेम है भाई, कॉम्बैट तक ऑटो प्ले है। अरे ये सोलो लेवलिंग की कोई गेम है भाई, एड्स बहुत सारी आ रही थी, डाउनलोड करके देखा भाई, फुल ऑटो प्ले है, कॉम्बैट तक ऑटो प्ले है, तो मैं करूँ क्या भाई, तो मेरे को क्या करना है? अरे आइडल नहीं, बट आइडल तक गाजा गेम। अरे देख ऊपर ऊपर स्ट्रीम स्टार्ट करो, अगर तो डाउनलोड थी गयु एटले, ये तो आइडल गेम्स नो मने जॉनरा खबर छे सारे लेते, बट अरे यार स्केली कौन छे? स्केली केम, अरे ये तो पेलो ए छे, नो नाम पेलो भूली गयो आपणे, उसने स्ट्रीम करी तो उसके आवाज आवाज कट गई नेट से। भाई मेरे तो भाई हमारी 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 आवाज यू आसू छे, बंद कर और मैं छे तू। अरे अरे मैं बस ट्राई करता था यार, एड्स में साढ़े चार वक्त जो यूट्यूब पर एड्स है, तो मड़ी मड़ी ने आउज तू એટલે ઇન્સ્ટોલ કરી કરીને તો આવ ઇન્સ્ટોલ કરે છે હિસાર સ્ટાર રીલ કર ને। ઓકે કરો ચલ એ કરો ઓકે યસ બેસ્ટ પીપ। અરે બટ એ ચાઇનીઝ ફાઈવર આનાથી બેટર કઈ હોય જ નહીં। અરે સ્ટોરેજ નો ઇશ્યુ છે ને, સ્ટોરેજ નહીં મારી પાસે, કંપની પેલા ઇબિટ નરબી સામે યસ કંપની પછી આપણે વીઓ છે ડાઉનલોડ થાય છે એટલે મારું અહીંયા ઇન્ટરનેટ વચ્ચે વચ્ચે કપાય છે, મારે આવાજ નહીં આવતી યસ। હા હવે ક્લિયર આવે છે, સ્ટાઇલ ડાઉનલોડ સર। હા એસ કરતો એસ કરતો હતો, અરે એનું એક ચાઇનીઝ સ્પાયવેર, એનું આ ક્લાયન્ટ ડાઉનલોડ કરું કે ત્યાં સ્ટીમ થી કસા થી ડાઉનલોડ કરું? ના ના વેબસાઇટ થી કરવું પડશે બરો, મને લાઈક 4 વર્ષ લાગ્યા રિયલાઇઝ કરતા કે કે શિટ બેડ ખરાબ ગેમ છે, મને 6 મહિનામાં ખબર પડી કે મેં 6 મહિના રમી પછી ડિલીટ કરી કાઢી। તું શું સ્ટ્રીમ કરે છે?
એ બહુ વિયર્ડ વસ્તુ છે. એ સ્ટારવેલ જાતે દર મહિને કે છે જેન્સન ફૂડ નાવર. અરે એનો એ ડેમો મેં રમ્યો, સારું છે. એટલે લાઈક એના ઓલ્ડ પર સોંગ વેલકમ ટુ એ સોંગ સારું. અરે નો વોટ ધ ફક, ની પીટી ઓ 50 કર્યો આજે 32 ની. મને એક્ચ્યુઅલી જેડ જોઈએ છે. એ તો બહુ આવી છે હજી તો એ હું ગેરંટી બનાવી લઉં. મને ખબર છે જ્યારે જોઈતું હશે ને ત્યારે જ હારી છું 50-50. બટ નાઉ વોટ, હવે હું કરું. આજે નવો ક્વેસ્ટ આવ્યો. અરે મારો ક્વેસ્ટ બાકી છે પણ મને પેરા નાહી ગયો. અમુક જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય છે. પઝલો કરી દો. અરે પઝલ કરવા એટલું તે એક્સપ્લોરેશન બહુ ઈઝી હોય છે. એટલે સિમ્યુલેટર યુનિવર્સ બહુ ઈઝી થઈ જાય છે. યસ, સ્પીડ રન થઈ જાય છે. ઓ દાચે આયો આની અંદર ફાઇનલી. આની અંદર અરે પેલું એ થોડુંક તો રમવું તો ખરો જોઈએ આની અંદર દાચા. રેકોર્ડિંગ રેકોર્ડિંગ નો સાઈઝ વધારે હશે પણ એની ક્વોલિટી સારી હશે. ટ્રાય કરીને જોજે. સેટિંગ્સ મેં જે મોકલી છે ને એમાં સેટિંગ્સ એની અંદર તારું નોર્મલી છે ને જીપી ઉપર રેકોર્ડિંગ નહીં થતું. તારું નોર્મલી સીપી ઉપર રેકોર્ડિંગ થતું હશે ને તો પેલું એનવીડિયા વાળાથી એ જીપી ઉપરથી રેકોર્ડિંગ થશે. એનવીડિયા એચવેક કે કંઈ આવે એનાથી તે બેટર ક્વોલિટી. એની બહુ ડિફરન્સ હશે એની અંદર. મને તો લાગે તો ડિફરન્સ. અરે હા, મેં ડ્રાઈવર મેં નતું કીધું રીઇન્સ્ટોલ કરે. એમાં મેં અંદરથી IGPU ડિસેબલ કરી દીધેલું. એટલે હવે બધું તમ ડેડિકેટેડ GPU પરથી જ થાય છે. સ્ટોરીમાં કયું હતી પહોંચેલો? એટલે ઓલમોસ્ટ કેચઅપ કરવા આવ્યો છું. એટલે આજે જ પાછો અપડેટ આવ્યો એટલે આજ સ્પેન્ડ થયું. ચાલ હું થાવા જઉં પછી વાત કરું. પેન મારે હવે ખાવા જવાનું છે.
મારે તો ખાવાનું બાકી. ચાલ હવે ખાવા જાઉં. કેન્ટીન get out of my way. This game is completely automatic. I can't let the other hunters see me. This is the best I can do for now. Get out of my way! Get out of my way! Don't give up! We'll never lose. Let's do it. If I can just break down his defenses, it's possible. We just need one good hit to crack this stupid rock. Already, you had more guts as an E rank. Not true! Of course, you're still an E rank nobody. You've just gotten lucky. So try it then. Prove me wrong.
मैंने नहीं कहा क्या कहा था एवं हाँ एक बार निकला तो था पापा घर what's going on? Okay, this game is trash. If it wasn't everything manual, everything automatic, sorry, that would have been like slightly good, but everything is pretty much automatic. I don't like it. Even if the game is good, but if they almost give everything automatic and it just defeats the whole purpose of a game. Like this is this the graphics are in my opinion decent, but the game is fully automatic. So can I even call it a game at this point? And it just crashed. I think the connection is lost, but I do have a pretty good connection. I'm pretty sure I am on Ethernet, so I don't think it's problem with my internet, it's just the game. Yeah, I will be stopping here and I'll meet you in the next one. Goodbye.